भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, इसके ट्रेलर ने जो हमारा काटा है ना, पूरी रात जागा था यार। वेल अगर अभी भी आपको नहीं पता तो मिर्जापुर का सीजन 3 आ गया है, जहाँ आपको 40 से 50 मिनट के बीच की 10 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। तो कैसी है ये सीरीज आइए जानते हैं। सो मुन्ना भैया की मौत और कालीन भैया के जाने के बाद अब मिर्जापुर की गद्दी खाली है, जिसके टोटल दो दावेदार है, एक शरद और दूसरा गुड्डू भैया। दूसरी तरफ माधुरी जो अब सीएम बन चुकी है, वो गुड्डू पंडित को मरवाने के लिए जाल बिछा रही है। नेक्स्ट बिहार का त्यागी छोटा वाला गोलू से बदला लेने के फिराक में है, और अपना गोलू बिजनेस बढ़ाकर गैंग को और स्ट्रॉन्ग करने में तुली हुई है। इसके अलावा और भी कई सारे चुन्नू मुन्नू कैरेक्टर्स हैं जो मिर्जापुर की पॉलिटिक्स में पूरी तरह डूबे हुए हैं। अब कौन कब किसको मारेगा और कालीन भैया कौन सी बड़ी ट्विस्ट लेकर आएंगे, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। देखो एक चीज जो सीजन 3 में मेकर्स ने अच्छी की है, वो है गालियों का इस्तेमाल बेवजह ना करना। किसी भी सीन में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ बेवजह गाली गलौज दी गई हो। लेकिन दोस्तों जो हमने ट्रेलर से उम्मीद की थी कि इस बार खून खराबा पिछले दो सीजन से ज्यादा होगा, तो यहाँ आप डिसअपॉइंट होने वाले हो। नो डाउट खून खराबा है, अच्छा खासा है, पर फिर भी मिर्जापुर के लेवल की तो नहीं लगती। एनीवे पहले एपिसोड से ही कहानी को इस तरह लिखा गया है कि आपको पूरी तरह बांध के रखेगी। लेकिन कहा था ना कि ट्रेलर ने हमारा बढ़िया काटा है, तो जैसे ट्रेलर देखकर लग रहा था कि इस बार कालीन भैया एकदम भौकाल मचाएंगे, चीड़फाड़ करेंगे, ऐसा अगर आप सोच रहे थे तो थोड़ा डिसअपॉइंट आप जरूर होंगे, क्योंकि कालीन भैया का इंतजार कर करके कब आधे से ज्यादा सीजन खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब कालीन भैया फॉर्म में आएंगे तो वो कुछ ऐसा करेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि सीजन 3 की एंडिंग उतना ही अनप्रेडिक्टेबल है जितना कि बिना त्रिपाठी दीदी कब कहां किसके साइड चली जाती है पता ही नहीं चलता। देखो हर बार की तरह इस बार भी काफी सारे नए चुन्नू मुन्नू कैरेक्टर्स है, जो शुरू में तो आपको काफी इंपॉर्टेंट लगेंगे पर रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। स्पेशली रॉबिन का कैरेक्टर, जिसे सीजन 2 में इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग बनाया गया था कि लोग उसके रियल मोटिव पर 10-10 थ्योरीज बना रहे थे, बट जब वो कौन है ये रिवील होगा, इट वोंट बी दैट सरप्राइजिंग। वेल पॉलिटिक्स और वायलेंस को मेकर्स ने जिस तरह ब्लेंड करके हमारे सामने परोसा है, थोड़ा डिसअपॉइंट होने के बाद भी आपको मजा बहुत आएगा। हालांकि इस बार बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स तो नहीं है, बट जितने भी है उनको आप शायद गेस कर पाओ। इवन इस बार काफी सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मारे भी जाएंगे, लेकिन वो सारे डेथ सीन्स को ऐसे ऐसे समय पे रखा गया है कि एक शॉक वैल्यू जरूर क्रिएट होगा। और हाँ, पिछली बार जैसे मुन्ना भैया ने आपका दिल जीता था, इस बार गुड्डू भैया जीतेंगे। इवन पिछले सीजन के मुकाबले इस बार डायलॉग्स भी काफी बढ़िया लिखे गए हैं, चाहे वो कॉमेडी सीन हो या फिर सीरियस, हर जगह काफी यादगार डायलॉग्स आपको मिल जाएंगे। सीजन का फर्स्ट हाफ काफी बढ़िया है, एक झटके में आप खत्म कर देंगे, लेकिन फिर एपिसोड 6-7-8 थोड़ा सा हल्का फील होता है, बट फिकर नॉट, लास्ट 2 एपिसोड बहुत ही बढ़िया है। वेल हाँ, ये भी सच है कि सीजन 3 की एंडिंग बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी, हालांकि मुझे ये तो परफेक्ट एंडिंग लगी। लेकिन जिस तरह सीजन 3 को एंड किया गया है और सीजन 4 को सेटअप किया गया है, कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रॉन्ग मोटिव मिसिंग है। जैसे सीजन 2 और 3 में रिवेंज वाला एंगल था, सीजन 4 में क्या दिखाएंगे ये सोचने वाली बात है। ओवरऑल अगर मैं एक लाइन में रिव्यू करूं तो मिर्जापुर सीजन 3 एक वेल मेड सीरीज है, बस एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई मत रखना, वरना थोड़ा डिसअपॉइंट आप जरूर होंगे। मेरे तरफ से 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मिलते हैं जल्दी एंडिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय एंड सब्सक्राइब।